वीडियो में हम कवर करेंगे तीन जबरदस्त कारकों जिसमें से एक होने वाली है इलेक्ट्रिक कार, जो कि जल्द हो रही है भारत में लॉन्च और कीमत जान के रहेंगे आप हैरान। टॉप की मशहूर कार निर्माता कंपनी फेट अपनी भारतीय बाजार में नई 500 ई इलेक्ट्रिक कार को हम सभी के लिए लॉन्च करने वाली है। तो चलिए जानते फीचर्स और बुकिंग और डिटेल के बारे में। जैसे कि खबरें सुनने में आ रही है कि यूरोप और इटली की मशहूर कार निर्माता कंपनी फोर्ड भारतीय बाजार में अपनी जबरदस्त सस्ती इलेक्ट्रिक कार के साथ पेश होने वाली है। इस कार का नाम दोस्तों फेट 500e रखा गया है। आपको बताना चाहूँ कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग चैनलों और सोशल मीडिया के जरिए लोगों के सामने इस कार को सबसे पहले प्रदर्शित किया गया था। सबसे पहले बैटरी और रेंज की बात करें तो भारत में लॉन्च होने वाली फेट 500e थर्ड जनरेशन इलेक्ट्रिक कार हम सभी भारतीयों के लिए होने वाली है, जिसमें आपको 42 kWh की लिथियम आयरन बैटरी का पैक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि इसके इलेक्ट्रिक मोटर को जबरदस्त पावर देता है। ये मोटर दोस्तों आपको 116 bspi की पावर जनरेट कर पाने में क्षमता रखती है। ये कार सिर्फ 9 सेकंड में 0 से लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ पाने में क्षमता रखती है। कार की टॉप स्पीड की बात करें तो भारतीय सड़कों को ध्यान में रखते हुए फेट कंपनी ने अपनी नई 500e की स्पीड को 150 किलोमीटर प्रति घंटे की तय किया है। 85 kWh की फास्ट चार्जिंग से इस बैटरी को आप 35 मिनट में 80 से लेकर पूरे 90% तक फुल चार्ज कर सकते हैं। वहीं अगर आप इसके स्टैंडर्ड चार्जर से इसको चार्ज करते हैं तो केवल 6 घंटे के समय में ये कार फुल चार्ज हो जाती है। दिलचस्प बात दोस्तों ये है कि ये कार अगर आप 5 मिनट भी चार्ज कर लेते हैं तो इस कार को आप उसी 5 मिनट से 50 किलोमीटर तक चलाने में सक्षम रह पाएंगे। यानी दोस्तों 5 मिनट में अगर आप कार चार्ज करते हैं तो इस कार को 50 किलोमीटर तक चला पाएंगे। अगर डिज़ाइन की बात करें तो भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाली फेट 500e का डिज़ाइन यूरोप में ऑलरेडी लॉन्च हुई हुई फेट 500 से काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन नई कार के लुक में सबसे बड़ा बदलाव इसके ग्रिल में किया गया है। इसमें आपको रेडिएशन ग्रिल देखने को मिलती है, जो कि फेट 500e में काफ़ी अच्छा लुक प्रदान करती है। इस कार के अंदर साथ ही साथ आपको LED हेडलैम्प्स के साथ आपको DRLs और ई शेप के मर्सकुलस LED टेल लाइट्स और दोनों और नए 500 ब्लेजर्स देखने को मिलते हैं, जिससे इसका लुक काफ़ी आकर्षक लगता है। कार के डायमेंशन की बात करें तो भारतीय बाजार में इस कार को 4x4 यानी 3630 mm और चौड़ाई की बात करें तो 1690 mm और ऊंचाई की बात करें तो 1480 mm और साथ ही इस कार में आपको 17 inch के डायमंड कट अलॉय व्हील कंपनी ने प्रोवाइड करवाए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। फीचर्स की बात करें तो भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाली ब्रांड न्यू फेट 500e इलेक्ट्रिक कार के अंदर आपको ड्राइवर असिस्ट इलेक्ट्रॉनिक के साथ Level 2 ऑटोनॉम्स फीचर्स ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं। इसमें आपको ऑटोनॉम्स ब्रेकिंग और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और लेन कीप असिस्ट और अपडेट क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स को कंपनी ने हम सभी भारतीयों के लिए शामिल किया है। फेट 500e की सबसे खास बात बताना चाहूँगा दोस्तों, इस कार के अंदर आपको दो डिस्प्ले ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला होगा 10.25 inch का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले न्यू टेक्नोलॉजी के साथ हम सभी के लिए इस कार में मौजूद करवाया गया है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें आपको 7.0 inch का एक इंफोटेनमेंट पैनल ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें आप अपनी स्पीड वगैरह और अपने फ्यूल के बारे में पता कर सकते हैं, जो कि काफ़ी स्टाइलिश बात है। अब दोस्तों बारी आती है लॉन्चिंग और कीमत की, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार होगा। भारत में इस कार की लॉन्चिंग के लिए अभी थोड़ा सा आप सभी को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों भारतीय बाजार में इस कार को हम सभी के लिए दिसंबर तक लॉन्च किया जा सकता है। यूरोपियन बाजार में इस कार की बुकिंग केवल 500 यूरो में चालू हो चुकी थी, यानी भारतीय करेंसी में कन्वर्ट करें तो 4,80,000 रुपये, जी हाँ, जो कि काफ़ी अच्छा रिजनेबल प्राइस है। फिलहाल कंपनी ने अपनी फेट 500e की केवल 500 यूनिट भारतीय बाजार के लिए बनाई है, क्योंकि कोरोना वायरस के कहर से जूझ रहे पूरी दुनिया में स्थिति सामान्य होने के बाद कंपनी इसके जबरदस्त फ्यूल लोडेड ले प्रेम फीचर्स को शामिल करके भारतीय बाजार में काफ़ी अच्छी यूनिट्स को लाने वाली है। मतलब दोस्तों कुल मिला के ये कार भारतीय बाजार में केवल 500 यूनिट्स ही लाई गई है। 500 यूनिट्स में से दोस्तों आप भी वो एक पहले ग्राहक बन सकते हैं जो इस कार को अपने लिए बुक कर सके। तो बुकिंग वो दोस्तों इस कार की नवंबर से चालू हम सभी के लिए फाइनली हो जाएगी, जैसे कि यूरोप में इसकी बुकिंग हो चुकी है। कीमत भी दोस्तों भारतीय बाजार में 1.80 lakh rupees रखी गई है, जो कि इलेक्ट्रिक कार में काफ़ी रीजनेबल प्राइस रखा गया है। सारे एडवांस फीचर्स दोस्तों, डबल टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, और आपको क्या चाहिए। अगर इस कार को अपने लिए बुक करना चाहते तो फटाफट यार कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना नाम और सिटी का नाम लिख के हमें कमेंट जरूर करिएगा।
और आज की हमारी दूसरी खबर निकल के आ रही है। तो जैसे कि दोस्तों भारत में एक और जबरदस्त इलेक्ट्रिक कार दुनिया की सबसे सस्ती कार मानी जाती है और इस कार को भारतीय बाजार में केवल 3.70 लाख रुपीज की शुरुआती कीमत में हम सभी के लिए लॉन्च किया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं कार के फीचर्स और कौन सी है कार। तो आप सभी को बता दूं कि जापान हमेशा से ही अपने अजीबोगरीब इन्वेंशंस के लिए जाना जाता है। वाहन निर्माता कंपनी किसी हद तक इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ आकर्षक हो रही है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। लगातार बढ़ रहे भारत में प्रदूषण और पेट्रोल के दामों को देखते हुए लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। इस बीच जापान में एक ऐसी कार को बनाया गया है जो कि कीमत में तो सस्ती है, साथ ही साथ एक चार्ज पर करीबन भारत में 350 किमी तक चलाई जा सकती है। कंपनी के मुताबिक ये दुनिया की सबसे सस्ती और भारत में लॉन्च होने वाली सबसे सस्ती कार होने वाली है। बताना चाहूँगा इस कार की सबसे खास बात कि इस कार को लग्जरी परफॉर्मेंस और बिल्कुल कंफर्ट लुक के साथ लॉन्च किया जाएगा। और साथ ही साथ आप सभी को बताना चाहूँगा कि भारत में लॉन्च होने वाली जापान की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार का भारत में नाम ORA R1 रखा गया है। इस इलेक्ट्रिक कार ORA R1 में तीन इलेक्ट्रिक सिस्टम आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि मोटर, बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल दिए गए हैं। बताना चाहूँगा कि इस कार की बॉडी को 60% तक हाई स्टील से तैयार किया गया है। दिखने में कार बेहद ही साधारण और यूनिक लगती है। इसका सबसे खास फीचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है जो कि मात्र आपके हेलो ORA बोलने पर इस पूरी कार को एक्टिवेट कर सकता है, मतलब चाबी की भी ज़रूरत नहीं है। और सबसे खास बात इस कार की मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को ऑल टू इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा रहा था, लेकिन पहली बार किसी कार को ग्रेट वॉल मोटर्स ने अपने डेल्टा प्लेटफॉर्म यानी ME पर डिज़ाइन भारत के लिए किया है। ORA R1 भारतीय बाजार में 5 रंगों में उपलब्ध करवाई जाएगी जो कि ज़्यादा स्मार्ट और सेफ और स्टाइलिश होने वाले हैं। फीचर्स की बात करें तो भारत में लॉन्च होने वाली ग्रेट वॉल की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार हम सभी के लिए यानी ORA R1 कनेक्टिविटी कार टेक्नोलॉजी से लैस की गई है और साथ ही साथ इसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रिवर्स पार्किंग सेंसर और कैमरे के साथ 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर्स को शामिल किया गया है जो कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सुविधा के साथ आएगा। वहीं बेहद ही सस्ती होने के साथ साथ इस कार में कई एयरबैग्स की सुविधा और ESP और ट्रैक्शन कंट्रोल, हील असिस्ट कंट्रोल और एंड्रॉयड ब्रेकिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर्स भी कंपनी ने भारत के लिए शामिल किए हैं। ग्रेट वॉल मोटर्स भारत में अपनी पहली प्रोडक्शन के रूप में इस कार को भारत में लॉन्च करने वाली है जो कि काफ़ी कम कीमत में ये सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार होने वाली है। लॉन्चिंग और कीमत की बात करें तो भारतीय बाजार में ग्रेट वॉल मोटर्स अपनी ब्रांड न्यू ORA R1 को हम सभी के लिए भारत में अक्टूबर तक फाइनली लॉन्च कर सकती है और इस कार को भारतीय बाजार में पूरे 6 कलर ऑप्शन में अच्छे अच्छे रंगों में उतारा जाएगा। स्टार्टिंग कीमत दोस्तों भारतीय बाजार में इस कार की केवल 3.70 लाख रुपीज़ से होने वाली है। टॉप वेरिएंट की बात करें तो करीबन 5.30 लाख रुपीज़ तक जाने की संभावना है। तो 3.70 लाख में दोस्तों ये एक 5 सीटर कार है और सबसे खास बात ये एक इलेक्ट्रिक कार है और इसमें आपको एडवांस फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम से लेकर सब कुछ इस कार में आपको मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक कार लेना चाहते हैं, बजट कम है तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो अगर आप इस कार को अपने लिए लेना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना नाम और सिटी का नाम लिख के हमें कमेंट जरूर करिएगा। अब हमारी तीसरी और लास्ट खबर निकल के आ रही है दोस्तों धमाकेदार एंट्री के साथ मारुति सुजुकी की तरफ से कि मारुति सुजुकी अपनी ब्रांड न्यू और ज़बरदस्त कार ऑल्टो को नए अवतार ऑल्टो ECO के नाम से हम सभी के लिए भारत में लॉन्च करने वाली है जिसका माइलेज 32 से ज़्यादा का होने वाला है। भारत में होगी लॉन्च, तो चलिए जानते हैं। तो आप सभी को बताना चाहूँगा कि मारुति सुजुकी ने कम कीमत में देश और दुनिया में अपनी गाड़ियों को उतार कर अलग ही पहचान बनाई है। एक और मारुति की गाड़ियाँ जहाँ भारत में सबसे ज़्यादा बिकती है, वहीं दूसरी और मारुति की कई गाड़ियाँ अलग अलग नाम और ब्रेजर के साथ दुनिया के अलग अलग बाज़ारों में भी बेची जाती है। अब दोस्तों खबर इस तरीके से निकल के आ रही है कि मारुति सुजुकी ने हाल ही में अपनी A-Star का नया वर्जन ऑटो ECO के नाम से जापान में लॉन्च किया है। कंपनी का मानना है कि जापान में ये कार 32 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है, लेकिन भारत में इको फ्रेंडली कारों की बढ़ती डिमांड को लेकर मारुति इस कार को जल्द ही हम सभी के लिए भारत में दिसंबर तक लॉन्च करने वाली है। लेकिन अभी मारुति सुजुकी अभी अपनी 800 cc वाली सेगमेंट ऑल्टो को भी नए डिज़ाइन के साथ और BS6 इंजन ऑप्शन के साथ अपडेट करके मार्केट में लाई है। बताना चाहूँगा कि दोस्तों भारत में
ऑल्टो ईको को काफ़ी नए पैमाने पे हम सभी के लिए लॉन्च किया जाएगा। इसमें ऑल्टो 800 के मुकाबले काफ़ी एडवांस फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपको बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा, जो कि न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सुविधा से लेस होगा। और साथ ही साथ दोस्तों रिवर्स पार्किंग कैमरे की भी इसमें आपको सुविधा मिलने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छा होने। अब सबसे खास बात दोस्तों, अगर इंजन की बात करें तो मारुति सुजुकी ऑल्टो ईको जो भारत में लॉन्च होने वाली है, उसके अंदर आपको बिल्कुल ही नया ब्रांड न्यू इंजन देखने को मिलने वाला है। मारुति ऑल्टो ईको में आपको भारतीय बाजार के लिए K6A डुअल जेट 12 टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन ऑप्शन से उपलब्ध करवाए गए हैं। इस कार को भारत पे दोस्तों 1.5 लीटर के इंजन ऑप्शन के साथ उतारा जाएगा, जो कि 6000 rpm पे आपको 52 bhp की पावर और 4000 rpm पे आपको 63 nm का पिकअप टॉर्क जनरेट करके देगा। ये इंजन मैनुअली और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से लैस किया गया है। भारत में दोस्तों ये काफ़ी अच्छी कार भी होने वाली है। तो इतना ही नहीं, ये नई ऑल्टो एक नए फीचर्स और डिज़ाइन वाली होने वाली है। इस कार को नए EFA प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। कंपनी इसका बेस मॉडल और टर्बो वेरिएंट हम सभी के लिए भारत में लॉन्च करेगी। इस नई ऑल्टो का बेस मॉडल दोस्तों 658 सीसी के पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ भी भारत में उतारा जाएगा, जो आपको 53 bhp की तकरीबन पावर और 5 स्पीड मैनुअली ट्रांसमिशन ऑप्शन और AMT ऑप्शन विकल्प के साथ मार्केट में आएगी। यानी कुल मिला के दोस्तों ऑल्टो ईको को हम सभी के लिए 3 वेरिएंट में लॉन्च किया जाएगा। खबरों की माने तो इस कार की सबसे बड़ी खूबी इसकी कम कीमत और 1 लीटर पेट्रोल में 32 किलोमीटर का जबरदस्त माइलेज होने वाली है। बताया जा रहा है कि मारुति की इस नई नवेली ऑल्टो ईको की कीमत को काफ़ी सोच समझ के भारतीय ग्राहकों के लिए डिसाइड किया गया है। इसकी कीमत अब तक आ रही ऑल्टो की तुलना में काफ़ी कम रखी जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर लॉन्चिंग और कीमत की बात करें तो भारतीय बाजार में मारुति सुजुकी अपनी ब्रांड न्यू नई नवेली ऑल्टो ईको को हम सभी के लिए अक्टूबर तक फाइनली लॉन्च कर सकती है। स्टार्टिंग कीमत इस कार की सूत्रों के माने तो 2.30 लाख रुपीस होने वाली है। टॉप वेरिएंट की बात करें तो करीबन 3.70 लाख रुपीस तक जाने की संभावना। ये थी आज की जबरदस्त 3 कारें जो कि जल्द भारत में हम सभी के लिए लॉन्च होने वाली, जिनको आप अब जल्द से जल्द खरीद अपने लिए पाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो बिना लाइक करें बिल्कुल मत जाइएगा। मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।